बेबी आई एम सॉरी रात को कॉल करना भैया देनी मेरी गुड्डी है मेरी गुड्डी है गुड्डी फाड़ देते हैं भूत पुट्ठा ही है भैया तुम तो भूत आने वाली काट नहीं ली जब से उसने काटा ना मेरा इतनी लड़कियां बाहर से जा रही है हंस रही है बेबी आई लव यू खड़ी दो दिन ना कौन सी डेट पे उड़ाओ एक ये किधर है तुसे ये स्टाइल इधर होना ये क्या आई लव यू बेबी एक कड़ी गुड्डी हुई आप अपने टाइम पे गुड्डी उड़ाते थे क्या बोलते थे उस चल गई यार मैंने ऐसे कोई गिफ्ट नहीं लिया अपने ऐसे गुड्डियां सो हेलो गाइस दिस इज मीनाक्षी भगत एंड यू आर वाचिंग द चैटर बॉक्स भाई जैसे कि आपको पता कल राखी है सबसे पहले तो हैप्पी रक्षाबंधन सबको और आज मैं आ गई हूं कच्ची सोनी में गुड्डियां खरीदने के लिए आओ देखते कौन सी गुड्डियां यहाँ पे प्रोमो गुड्डी देखो एक मिनट भैया इधर होना ये क्या आई लव यू बेबी एक कड़ी गुड्डी हुई किसकी गुड्डी है भैया ये रात को कॉल करना और ये कौन सी गुड्डी है रात को कॉल करना भैया ये गुड्डियां किसने बनाई है ये भैया का स्टॉक है सारा भैया ने खुद कार्ड के लिखा है ये स्पेशल बनवाया स्पेशल बनाया गया है ये क्या लिखा हुआ है बेबी आई एम सॉरी तो भाई जो जो जिन जिन लोगों की यू नो जिन जिन लोगों की यू नो वो है ना क्या बोलते हैं गर्लफ्रेंड्स नाराज हुई हुई है ना वो ये वाली गुड़ियां दे दे उनको अच्छा भैया गुड़ियां लुटन जाते हुन ते नहीं लुटते पहले लुटते हैं निक्के होंदे लुटते होने निक्के होंदे लुटते भी लगदी होनी मेरी गुड़ी है मेरी गुड़ी है गुड़ी फाड़ देते हैं एक दूसरे जिन्हें लुटी दे नहीं लुट रही गुड्डी फाड़ देते अगर मतलब आपको नहीं मिलती तो गुड्डी फाड़ देनी गुड्डी और के जे सानू लुट ली नहीं लुटी तो गुड्डी फाड़ देनी है इथे गल गुड्डी मेरी मेरी नहीं हुई तो फाड़ देनी गुड्डी है बिल्कुल चलो ठीक है थैंक यू सो मच भैया सर क्या खरीदने आए हो खरीदने ऐसे हम पहले के खरीद लिए पतंगे आज ऐसे इधर से जा रहे थे कुछ आज चक्कर लगाने आए हो आज देखने आए हो आज देखने आए हो ये कौन सा नया स्टॉक आया हुआ है गुड्डियों का सर कितने की काइट खरीदी आपने हाँ कोई ढाई तीन हजार की खरीदी है ब्रावा ढाई तीन हजार की आपने काइटे खरीदी है तो आपने ये किया है क्या बोलते हैं मतलब अपनी बेटी के लिए इससे पूछती हूँ ना आपकी दीदी है नहीं है भाई है क्या भाई के लिए ली काइट्स मासी की बेटी है चाची की बेटी है क्या गिफ्ट लिया उनके लिए कुछ नहीं दिखा बहन ऐसे कोई गिफ्ट नहीं लिता अपने ऐसे गुड़ियां ले ली है नी बहनों के लिए भी अच्छा सा गिफ्ट लेना ठीक है नहीं तो शिकायत करेंगे गुड़ियां नहीं उड़ाने देंगे आपको ठीक है हेलो भैया हाँ जी कितने की गाइड ली कितने इन्होंने ली है भैया कितने की ली गाइड अभी थोड़ी सी ली है थोड़ी सी ली है कितने ली थी फिर भी दो तीन सौ रुपए की दो तीन सौ रुपए की बताना कौन सी गाइड ली है गुड्डे लिए नहीं अभी नहीं लिए वो शाम को आएंगे ना शाम देखो स्टॉक आहिस्ता आहिस्ता स्टॉक का कंफ्यूजन है ना कल की कंफ्यूजन है कल अच्छा आप डेट देख के गुड्डी उड़ाओगे आप डेट देख के उड़ाएंगे ऐसे अकेले कहां आप कह रहे रखड़ी दो दिन कौन सी डेट पे उड़ाओगे अब दोनों दिन उड़ेंगे दोनों दिन उड़ाएंगे ये होता है मतलब स्पिरिट देखो दोनों दिन उड़ाएंगे ये तो अच्छा आपके लिए ना हां दोनों दिन उड़ाएंगे आप उड़ाते थे काइट हां हम बचपन से उड़ा रहे थे उस वक्त हम खुद पहले कांच कूट कर और श्लेष से डोर लगाते थे अच्छा उस वक्त आजकल तो रेडीमेड आ रहा लेकिन मेरी जम्मू वासियों से सभी से एक अपील करना चाहता हूँ कि गट्टू का यूज नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बहुत खतरनाक होता है बच्चों के लिए और ये खासकर ना तो ये डिजॉल्व होती है डोर जो बाद में खत्म भी नहीं होती ये कार्टन की डोर जो है खत्म भी हो सकती है गट्टू बैन है और बैन ही रहना चाहिए गट्टू बैन होना अच्छा अंकल जब अपने टाइम पे गुड्डी उड़ाते थे क्या बोलते थे उस चल गई यार क्या चल गई यार उसमें जब मजा आता था उस वक्त मतलब होता था कुछ नशा होता था 15 दिन पहले लोग शीशियां कूटते थे खुद स्लेश लगाते थे और खुद डोरे लगाते थे लुटने जाते थे गुड्डी लुटने भाई बड़े जाते लोगों की छतें डबते थे लूटते थे तभी तो लोगों की पहले हेल्थ ठीक थी दो दो पाँच पाँच किलोमीटर भागते चलते थे हम आजकल तो बच्चा ये दीवार नहीं क्रॉस कर सकता ठीक है अंकल आप खरीदो ठीक है थैंक यू गुड्डी तुहानू पौनी है कोई 240 रुपए दर्जन ठीक है एक पौनी जिहड़ी मच्छी है नी मच्छी तुहानू सिल्वर भी लभग गोल्डन भी लभग भूत वाली मच्छी नहीं शार्क है हेलो भैया हेलो क्या खरीदने आए हो काइट्स खरीदने आए हैं क्योंकि फेस्टिवल है ना इस वजह से खरीदने आए हैं गुड्डियां खरीदने आए हो कितने की काइट खरीदने आए हो
मैम डिपेंड करता है कि प्राइस कैसा लगाएंगे, जितना हो सके उतना, मतलब अपनी तरफ से तो बजट 1500 रुपए का है, तो 1500 रुपए क्या क्या अभी 1320 ही बने हैं, मतलब इसका मतलब हमारे प्राइस सही है ना। ये होता है एक अच्छा दुकानदार, देखा साथ साथ में अपनी प्रमोशन भी कर लिया। नहीं का नाम क्या है? डुगर काइट्स। डुगर काइट्स। मैं तो यही बोलूंगा सबसे अपील है कि डुगर काइट्स आओ और वहाँ से अपनी काइट्स ले लो, वो अच्छे रेट्स पे दे रहे हैं। नहीं ये तो लिया आपने काइट्स हैं, काइट्स तो ले ली, बहन के लिए भी कुछ लिया नहीं? हाँ जी वो तो पहले लेना होता ना, वो तो गुटिया उड़ाएंगी नहीं। नहीं नहीं उसके लिए पहले ले लिया हुआ है, उसके लिए तो इससे महंगे गिफ्ट होते हैं। देखा बहने कितनी इम्पोर्टेंट होती है। तो आ जाओ इन लोगों से बात करते हैं, ठीक है। ब्रावा रश देखो कितना पड़ा हुआ है यहाँ पे, देखा। हेलो भैया, क्या हाल है? बस ठीक है। चश्मा उधार का लिया? नहीं पैसे का लिया था ये। पकड़ के क्यों आ रहे हो? नहीं कोई छीन नहीं ले, पैसे का लिया ना तभी। अच्छा बताओ काइट उड़ाए, काइट ली कोई खरीदी? ये आपने दिल में मेरी बात लग गई, आपने जो बोला। क्या मतलब? काइट में लेता नहीं। क्यों नहीं लेते? मतलब गुड्डिये राखी आने वाली, काइट नहीं ली? जब से उसने काटा ना मेरा तो मैं किसी से कटवाना नहीं चाहता, लेता ही है। क्या बोला किसी ने काटा तो? जब उसने मेरे से काटा ना जब से। यार की नहीं पटा यार। ये नहीं ये तो हो गया मजाक, सही बताओ आपने काइट ली कि नहीं ली? नहीं सही में लेता ही नहीं, सही में काटा है उसने, तब से मैं कटवाना नहीं चाहता किसी और से। तो उसने काटा, इसका काइट का क्या लेना देना? नहीं फिर और भी कोई भी काट सकता ना काइट, इसलिए मैं। अच्छा उसने आपको काटा, आप अपनी काइट नहीं कटवाना चाहते? उसके बाद साधु बन गए। अच्छा बम बम बोले, ठीक है सोमवार के व्रत रखेंगे, अब अच्छी सी बीवी मिलेगी। नहीं वो तो खत्म हो गया, ये जो सावन महीना तभी पूरे रखे ना, अब इंतजार है बीवी कब मिलेगी। अच्छा चलो शिव जी भगवान आपको अच्छी बीवी ढूंढ के। बोलो हर हर बोले, हर हर बोले, हर हर। गुड्डी खरीदने आयो? कितने की खरीदी? अभी ले रहे हैं जस्ट अभी। कितने कितने की लोग हैं? 1100। यार कितने कितने पैसे गुड्डियों पे? भैया अंडे में तो कटोई जानी है, तो फिर क्या फायदा होता है? कहते बारी नहीं कटती। अच्छा किसकी गुड्डी है ये, वो कोई तो आओ। हेलो भैया, क्या हाल है? बढ़िया जी। मुझे पहले ये बताओ ये जो आइडिया है, ये लव यू बेबी रात को कॉल करना, ये गुड्डियों का आइडिया कहाँ से आया? ये देखो। हाँ वो कर रहे हैं। ये कहाँ से आया आपको आइडिया? वो तो रात को सपना आया मुझे। ये आपको रात को कॉल आई? नहीं शादी हो गई अब तो। तो क्या हो गया, शादी हो गई रात को कॉल आ सकती है, वाइफ की कॉल आ सकती है? नहीं नहीं तो फिर मैंने ना थोड़ा मुझे दिमाग में पता नहीं क्या हुआ, मैंने कहा यार ऐसे, फिर मैंने अपने कारीगर को फ़ोन किया, कुछ डिफरेंट करते हैं इस बार, तो मैं हर साल करता रहता हूँ डिफरेंट, तो इस बार मैंने ना बस ऐसे ही उसको फ़ोन करा अपने कारीगर को, रात का कोई 1:15 बजा हुआ था, तो मैंने उसको बोला यार ऐसी ना ये कोटेशन लिख के पतंगे बना, और आप यकीन करोगे मैंने 1000 पतंगे बनाई थी, 1000 पतंगे, और अभी तक मेरे पास मुझे लगता है 100 से ज़्यादा नहीं बची होंगी, मतलब सारी बिक गई। हाँ और इन्हीं लड़कियाँ बाहर से जा रही है, हंस रही है, बेबी आई लव यू, बेबी आई एम सॉरी, रात को कॉल करना, एक तो मैंने वो बनाया था नो हनी नो मनी। नो मनी नो हनी, रात को कॉल करना, ये जो भैया आपका आइडिया ना, मैं बड़ा ही इनोवेटिव सा आइडिया है, और आई थिंक बहुत सारे लोग खरीद रहे भी होंगे ये, है ना? मैं कह रहा हूँ बिक गई सारी, मिल अब उसको दोबारा फोन करा, वो कह रहा है बाबू जी बड़ी मेहनत लगती है। मैं क्या बना दे यार, सीजन का टाइम है, नहीं बाबू जी मेरे को नहीं बनने हैं, तो अब वो कन्विंस कर करके वो मान गया, अब दोबारा अब नया कुछ और अलग से आएगा, तो जब आएगा तो वो फिर आप आना तो मैं आपको दिखा दूंगा। तो भाई ये थे भैया जिन्होंने ये मतलब इनोवेट किया ये आइडिया, बेबी आई लव यू तो बेबी आई एम सॉरी, तो भाई जिन्होंने गुड्डियाँ लेनी है आ जाओ यहाँ पे, बहुत सारी यू नो वो छार है यहाँ पे गुड्डियों को, और वो भी आई लव यू बेबी गुड्डी। और बाकी की वीडियोस के लिए देखते रहिए द चैट बॉक्स। बाय बाय।